उसी को लेके चलते हैं और सवाल भी उसी के आसपास करते हैं क्या हर मैं राजनीति में हूं इसलिए हर काम राजनीति के, के, के लिए ही करूंगा क्या वोट पाने के लिए करूंगा क्या सत्ता पाने के लिए करूंगा क्या ये सोच कम से कम मुझे फिट नहीं बैठती मैं देश के लिए काम कर रहा तमिलनाडु मेरे देश की बहुत बड़ी ताकत है सत्ता किसको मिलती है मेरा विषय नहीं है भाई मुझे उनके लिए कहा अगर यही होता ना तो मैं नॉर्थ ईस्ट में कोई काम नहीं करता नॉर्थ ईस्ट के मेरे मेरे मिनिस्टर्स डेढ़ सौ से ज्यादा मिनिस्टर बार नॉर्थ ईस्ट में गए हैं हिंदुस्तान के जितने प्रधानमंत्री हो गए वो सब मिलाकर के जितनी बार नॉर्थ ईस्ट गए मैं अकेला उससे ज्यादा बार गया हूं इसलिए हर चीज को चुनाव राजनीति बीजेपी उसी के लिए तोलना मेरे इन प्रामाणिक प्रयासों के साथ अन्याय होगा ठीक मैं मेरे देश के उज्जवल भविष्य के लिए काम कर रहा हूँ और तमिलनाडु का नागरिक वोट किसको देता है वो मेरा मुद्दा नहीं है मुझे उसके सामर्थ्य की तरफ मेरा ध्यान है उसकी अपेक्षाओं की तरफ मेरा ध्यान है उसके संकल्पों की तरफ मेरा ध्यान है और उसमें आज अगर जहाँ पर मुझे जनता ने बिठाया है अगर मैं उनकी सेवा कर सकता हूं तो मेरे लिए बहुत बड़ा सदभाग्य होगा और यह काम मैं दिल्ली बैठकर नहीं कर सकता मुझे जाना पड़ता है मुझे मिलना पड़ता है तो जैसे हिंदुस्तान के हर कोने में जाता हूं तमिलनाडु तो जाता हूं तो कृपा करके मेरे कोई पॉलिटिकल एजेंडा के तहत मैं वहां जाता हूं mm -hmm. ऐसा कम से कम मेरे केस में मत बख्सूस ऐसा हमें नहीं बोला बट बट यू यू डू ऑल थिंग्स आर टेकन अ अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स एज पॉलिटिशियन अगर यू नो रिजल्ट आने के समय वो हैव यू एवर थाट मैं इतना कर रहा हूँ बट क्यों तमिलनाडु के लोग मुझे वोट नहीं दे रहे हैं लाइक वॉट इज रॉन्ग जी what नहीं मुझे 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 कभी भी तमिलनाडु के नागरिकों के प्रति मेरी कोई शिकायत नहीं है नहीं। और नहीं मेरी शिकायत होनी चाहिए right. मेरा प्यार है मेरा पागलपन है वहाँ के कल्चर के प्रति मेरा पागलपन है right. वो मुझे खींच के ले जाता है